राजस्थान ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशन एवं राजस्थान ऑफ्थेल्मिक ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 27 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के नेत्र सहायक और बेरोजगार नेत्र सहायक अपनी व्यथा इस तरह से सरकार को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमारी भी सुनो सरकार। 35 वर्षों से एक विचारणीय प्रश्न है सरकार के सामने और हमारे सामने भी कि 35 वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति, एक विभागीय त्रुटि, विभागीय भूल से नेत्र सहायकों ने जो दर्द झेला है पिछले 35 वर्षों से, अनेक नेत्र सहायक इस दर्द के साथ रिटायर्ड हो गए, सोचने की बात है। हम राजस्थान के नेत्र सहायक यूं तो कभी धरना प्रदर्शन नहीं करते, बहुत कुछ सह जाते हैं, बहुत कुछ सहन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, हमारी बातों को सरकार को सुनना चाहिए। अनेक बार इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं 35 वर्षों में। सरकार ने माना भी है कि वाजिब मांग है, सरकार ने स्वीकार किया है कि भूल वश त्रुटि हुई है। सरकार के उच्च अधिकारियों ने इस बात को, अब पत्रावली देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, अब पत्रावली दिखवा लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये राजस्थान के वो नेत्र सहायक हैं जो पिछले 35 वर्षों से एक दर्द झेल रहे हैं। कहते हैं जिस राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा सुखी नहीं रह सकता, रामचरितमानस कहती है ऐसा। हम उस बात पर नहीं जाते हैं, हम अपनी बात को कह रहे हैं। वो नेत्र सहायक जिसका कभी योग्यता अपने समकक्ष कैडरों से बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक भूल, विभागीय भूल, हमारे संगठन इस बात को बार बार कहता आया है कि एक विभागीय भूल से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। खैर, हमारी मांग है साहब, राजस्थान के नेत्र सहायक पिछले कई दिनों से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर काम से नहीं भागते। नेत्र सहायकों ने कभी काम से भागना नहीं सीखा, लेकिन दर्द किसको बताएं? आखिर दर्द सुनने वाली हमारी सरकार जब हमारी मांगों को अनसुना कर देगी तो बहुत चिंता होती है साहब। हमारी सुनो सरकार, मुख्यमंत्री जी आप तो दूरदृष्टा हैं, आप जननायक हैं, आप आगामी 2030 की कार्य योजना बना रहे हैं, आपने बहुत सारी योजनाएं चिकित्सा विभाग में जनहितार्थ शुरू किए हैं। आप जानते हैं अंधता अभिशाप है और समाज में नेत्र सहायकों की क्या भूमिका है, बताने की जरूरत नहीं है, बस हमारी सुन लें आप। ये जो भीड़ दिख रही है इस तरह के धरने, हमने 35 वर्षों में अनेक बार आप तक हमारी बात पहुंचाने के लिए दिए हैं साहब।
लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा है हमेशा कि कभी आचार संहिता लग जाती है, कभी हमारी बातें फाइलों में दब जाती है, कभी कमेटियां बन जाती है और हमारा हमारी झोली खाली रह जाती है मुख्यमंत्री जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर एक अपील कर रहा हूं राजस्थान के नेत्र सहायकों की तरफ से, क्योंकि मैं स्वयं एक नेत्र सहायक हूं, मैंने भी वही पीड़ा झेली है। 30 साल की नौकरी में बहुत मेहनत की है मुख्यमंत्री जी, हमने हमारी जिम्मेदारी का खूबसूरती से निर्वहन किया है, काम से नहीं भागते हम नेत्र सहायक, हम बड़ी मेहनत से रिफ्लेक्शन करते हैं, हम बड़ी मेहनत से जो हमको जिम्मेदारी दी जाती है विभाग के द्वारा हम उसका पालन करते हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन जब हमारी सुनवाई नहीं होती तो पीड़ा होती है, दर्द होता है और हमारी चिंता आखिर कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जी। 27 सितंबर को हम जयपुर आएंगे, 27 सितंबर को संगठन घाट पर शहीद स्मारक पर हम हमारी बात को एक बार पुनः कहने की कोशिश करेंगे। हालांकि चुनाव सर पर है, आचार संहिता का भी हमको भय है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पूर्व में हो चुका है, हमारी सारी मांगे मान ली थी, क्योंकि हमारी मांगे वाजिब थी प्रभु, लेकिन फिर समस्या वही खड़ी हो गई कि आचार संहिता लग गई थी, सरकार के हाथ बंध चुके थे और नेत्र सहायक अपने भाग्य पर रोता रहा। अब देख सकते हैं ये नेत्र सहायक अपनी पीड़ा को कितनी बार व्यक्त कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर व्यक्त करेंगे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है मुख्यमंत्री जी, हम हमारी बात को संगठन के माध्यम से, क्योंकि हम नेत्र सहायक हैं, जनसेवक हैं हम भी, और हमारी बातें आपको सुननी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी। हमको बड़ी आशा थी कि कैबिनेट की इस मीटिंग में, इस बैठक में हमारे साथ कुछ न्याय होगा, लेकिन शायद हमारी बात आप तक, हमको इस बात का आश्चर्य है मुख्यमंत्री जी, आप सबकी सुनते हैं, आप न्याय करते हैं, लेकिन हमारे साथ लंबे समय से होने वाला अन्याय कहीं न कहीं हमको चिंता में डाल देता है। मुख्यमंत्री जी बात बहुत लंबी है, क्योंकि 35 वर्षों में हमने एक किताब लिख दी है नेत्र सहायकों की व्यथा, आने वाली पीढ़ियों में ये चर्चा होगी कि कभी किसी कैडर के साथ इतना बड़ा अन्याय हो सकता है, 35 वर्षों तक कोई कैडर मांगता रहा लेकिन उसकी बातों को अनसुना करती गई सरकारें बदलती गई, लेकिन हमारी मांग, हमारी समस्या, हमारी व्यथा यथावत रही। मैं बात को विराम देता हूं मुख्यमंत्री जी एक कारुणिक अपील के साथ कि हमारा कुछ भला कर दीजिए। नमस्कार।